हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्स लर्निंग में। दोस्तों, फाइनली जीडीएस का सेकेंड लिस्ट निकाल दिया गया है और आप सभी स्टूडेंट जो जीडीएस का सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है और सभी में जितने भी सर्कल है ना, सभी में लगभग अच्छे खासे निकाले गए हैं सेकेंड लिस्ट पे, है ना। तो एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा सर्कल है जहां पर नहीं निकाला गया। क्यों नहीं निकाला गया उसका मैं रीजन बताऊंगा कि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है वहां पर नहीं निकाला गया, क्योंकि अब वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं तो आचार संहिता लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लागू है, तो अभी वहां पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता, इस चलते वहां पर नहीं निकाला गया। चलिए देखते हैं कितनी कितनी हरेक सर्कल में फिर से निकाला गया है ना लिस्ट। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट लिस्ट निकाला गया था, ये फर्स्ट लिस्ट का है और ये यहाँ पर सेकेंड लिस्ट का है, इसी तरह से सबका दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में निकाला गया था फर्स्ट लिस्ट में 2477 अभी निकाला गया है 974, ठीक है। तो लगभग 1000 लगभग है निकाला गया, ठीक है। तो आपको इससे एक और चांस बनता है कि थर्ड लिस्ट भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आसाम में निकाला गया था फर्स्ट लिस्ट में 406 और अभी निकाला गया है 253, ठीक है, 50% तक निकाला गया, ठीक है। बिहार में जो निकाला गया था है ना 1458 1458 निकाला गया था, लेकिन अभी निकाला गया है 1319 निकाला गया। छत्तीसगढ़ में निकाला गया था 1590 अभी निकाला गया है 770, ठीक है। दिल्ली में निकाला गया था 46 अभी निकाला गया है 34, ठीक है। गुजरात में निकाला गया था 2016 मीन्स 2016 अब निकाला गया है 901। हरियाणा में निकाला गया था 354 अभी निकाला गया है 213, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में निकाला गया था 601 अभी निकाला गया है 317। जम्मू एंड कश्मीर में निकाला गया है 299 अभी निकाला गया है 257। झारखंड में निकाला गया था 1587 अभी निकाला गया है 1102, ठीक है। कर्नाटका में निकाला गया था 3025 बट अभी कर्नाटका में आचार संहिता लागू है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पर कोई लिस्ट नहीं निकला है, ठीक है, बाद में निकलेगा इसका। केरला में जो निकाला गया है 2458 निकाला गया था फर्स्ट लिस्ट में, अभी निकाला गया है सेकेंड लिस्ट में 1778, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो निकाला गया था फर्स्ट लिस्ट में 1835 अभी निकाला गया है 1332। महाराष्ट्र में निकाला गया था 2505, ठीक है, अभी निकाला गया है 1238 निकाला गया है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आपका सिक्किम आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है, त्रिपुरा आता है, सारे ये सब स्टेट इसमें नॉर्थ में है ना, नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सेवन सिस्टर वाले कंट्री और स्टेट। तो 915 निकाला गया था, अभी निकाला गया है 432, ठीक है। ओडिशा में जो निकाला गया था 1380 अभी निकाला गया है 752, ठीक है। राजस्थान में निकाला गया था 1683 अभी निकाला गया है 1188, ठीक है। पंजाब में निकाला गया था 765 अभी निकाला गया है 2225, सिर्फ 225, ठीक है। तमिलनाडु में निकाला गया था 3164 अभी निकाला गया है 1622। तेलंगाना में निकाला गया था 1261 अभी निकाला गया 835। यूपी में निकाला गया था 7985 निकाला गया था, अभी निकाला गया है 6198 निकाला गया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में निकाला गया था 2125 अभी निकाला गया है 941, ठीक है। उत्तराखंड में निकाला गया था 887 अभी निकाला गया है 490। आपका 11 तारीख को लिस्ट आया है और 21 तारीख तक आपको डीबी करा लेना है, ठीक है, 21 तारीख तक आपको डीबी 21 को कराना है, ठीक है। तो देखिए ये सेकेंड लिस्ट था और प्रोबेबली थर्ड लिस्ट भी का भी चांस बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है। कि सब में देखिए जितना लिस्ट आया है ना, सभी में लगभग 50% स्टूडेंट्स अपियर उस समय नहीं हुए थे, तो इसमें भी चांस है कि फिर से आपका एक और लिस्ट आ जाएगा, थर्ड लिस्ट भी आने का पूरा चांस है,
ठीक है। तो सेकेंड लिस्ट में जिनका भी नाम नहीं आया वो वेट करे कि थर्ड लिस्ट आ जाए, डेफिनेटली थर्ड लिस्ट भी आएगा। लास्ट ईयर थर्ड लिस्ट भी आया था, फोर्थ लिस्ट भी आया था, फिफ्थ लिस्ट भी आया था, तो वेट करें, इनका भी नहीं हुआ है, डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ थर्ड लिस्ट आएगा, ये गारंटी है। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।